दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये है मशीन इंडिया की झन्नाट वीडियो सीरीज का एक और तड़कता भड़कता सा वीडियो। और आज भी आप देखने वाले हैं सैकड़ों हजारों शिप्स या भेड़ों को एक देश से दूसरे देश में कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। तो बने रहिए आखिरी तक मेरे साथ। आप में से कई जानते होंगे, लेकिन कई इस बात से बिल्कुल अनजान है कि सामान की ही तरह जानवरों को भी एरोप्लेन और जहाजों से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। खैर, शुरू करते हैं अपनी रामायण। ये जो बड़े बड़े शिप फार्म्स होते हैं, यहाँ से इन हजारों भेड़ों को हवाई जहाज की सवारी करने मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए पहले तो फार्म से बाहर निकालना होता है। वैसे हवाई जहाज का नाम सुनते ही ये भेड़े इतनी उतावली और खुश हो जाती है कि खुद ही फटाफट फार्म के बाहर निकलने लगती है। यहां बाहर ही खड़ा होता है इतना बड़ा ट्रक। अब जब भेड़े इस ट्रक को देखती है तो उन्हें पता होता है कि शायद इसी कंटेनर में अपनी डोली उठना है, तो सारी शिप्स फटाफट इसमें चढ़ जाती है। कई कई भेड़े क्या थोड़ा नखरा दिखाने लगती है चढ़ने में, तो ये ट्रेन डॉग्स उनके इस नखरे को हैंडल करने का काम निपटा लेते हैं। अब जब ये विशालकाय कंटेनर भेड़ों से लबालब भर जाए तो अब इनकी डोली आगे बढ़ाई जाती है, यानी ये खेप पहुंचाई जाती है आगे जहां से इन्हें एक्सपोर्ट होना है। जैसा कि आपको पहले ही बताया था, एक्सपोर्ट दो रास्तों से होता है, एक तो पानी के रास्ते और दूसरा हवा यानी बड़े से कार्गो एयरप्लेन से। चलो पहले देखते हैं इस इतने बड़े समुद्री जहाज से ये काम कैसे होगा। लो जी, हमारी भेड़ों से भरा कंटेनर भी शादी के जन्वासे में पहुंच ही गया। अब जैसे ही ये शर्मीली भेड़े कंटेनर से उतरती है तो इनके लिए दूल्हे पक्ष के लोगों ने एक रास्ते का इंतजाम कर रखा है, ताकि भेड़े कंटेनर से इधर उधर नयन मटका ना कर पाए, बल्कि इस रास्ते से होती हुई सीधे जहाज के अंदर पहुंच जाए। सारी शर्मीली भेड़े अब आ चुकी है 70,000 जानवरों को ले जा सकने वाले इस शिप के अंदर। मामा जी ने पहले ही कड़क आवाज में बोल रखा था कि भाई मेहमानों के खाने पीने में कोई कसर नहीं रहना चाहिए। पूछे ना, मैं पूरा इंतजाम करवा देता अभी एक लाइन में। अभी बारात आ जाएगी, कुछ इंतजाम है ना, खाना बनाए ना कुछ कमाए। ये क्या हो रहा है सब, इतनी बड़ी बड़ी पनीर कट रही है, खत्म हो गए रिश्तेदारों, क्या मुंह दिखाएंगे हम। तो देखो, यहाँ इनके खाने पीने की भी सारी व्यवस्था आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो थोड़ा खा पी लिया जाए, उसके बाद ये जहाज हो जाता है रवाना, जहां इन प्यारी दुल्हनों को पहुंचना है। अच्छा जी, ये तो ही बात पानी के रास्ते की। अब चलते हैं उस कार्गो प्लेन के पास जो भेड़ों को दूसरी कंट्री में ले जाने वाला है। लेकिन रुकिए, इन भेड़ों को तो पहले पहुंचने दो। तो पहले इन्हें कंटेनर में अच्छे से पैक किया जाता है, ताकि ये बाहर ना निकल पाए और पायलट के पास पहुंच के एक बार एरोप्लेन चलाने का जिद ना करने लगे। तो भैया, ऐसे इन्हें प्लेन में चढ़ा लिया जाता है, और जब ये प्लेन निकल पड़ता है किस्मत वाली भेड़ों को सात समंदर पार हवा खिलाते हुए पहुंचाने के लिए। अच्छा गुरु, अभी रुको, आगे का खेला अभी बाकी है। यहाँ से या तो इनको डायरेक्टली मीट फैक्ट्री में कटने के लिए भेज दिया जाएगा, या तो फिर फार्म्स में, जहाँ इनके दूध और ऊन से करोड़ों रुपए कमाए जाएंगे। तो चलो आपको लिए चलता हूँ उस फैक्ट्री में, जहाँ इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी से मिल्किंग की जाएगी।
तो कुछ टाइम आराम कर लेने के बाद इन्हें ले जाया जाता है पास ही बनी मिल्किंग यूनिट में, जहां ये खुद ब खुद प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाती है और अपने अपने चेंबर में घुस के चारा खाने लगती है। अब कुछ वर्कर्स रपारप इनके थनों में ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन अटैच कर देते हैं और अब शुरू होता है दूध निकालने का खेला, जिसमें ये रोटेटिंग प्लेटफॉर्म जिस पर करीब 400 से 500 सिप्स होती है वो लगातार घूमते रहेगा और दूध ऐसे निकलते रहेगा। वैसे भेड़ों को घुमाया इसलिए जाता है ताकि इनका ध्यान थनों पर लगी इस मशीन पर कम जाए और इनसे एक अच्छी क्वांटिटी में दूध निकल पाए। तो एक निश्चित मात्रा में अब जब दूध निकल जाए तो ये मशीन अपने आप ऐसे थनों से निकल जाती है। वैसे भाई लोग अब इनको काटने पीटने वाली फैक्ट्री भी बता सकता हूँ, लेकिन चचा अभी चल रहा है लॉकडाउन, अपन है वैसे ही मेंटली डिस्टर्ब, तो ऐसी नेगेटिव चीजें देखने का नहीं है कि नहीं। इससे अच्छा ये देखो, तो हर बार की तरह बारी आती है आपके ये कमेंट्स को लेने की। राज कहार ने लिखा है कि वो छिंदवाड़ा से है, तो अरे राज बाबा मैं भी तो बैतूल से हूँ आपके आसपास से। नेक्स्ट कमेंट है आदिल खान का, पूछ रहे हैं शादी हो गई क्या। तो भाई आदिल बस अभी मेरी बारात निकलने वाली थी, सोचा थोड़ा एक वीडियो ये बना ही लेता हूँ फिर निकलूँगा बारात लेके। नहीं हुई भाई अभी शादी, अगले अगले साल देखते हैं। शौकत मोमिन भाई ने रिक्वेस्ट किया है कि गीतमाला का वो फेमस डायलॉग बोल के दिखाओ। शौकत भाई मेरी उतनी औकात नहीं है कि मैं आमीन सयानी जैसा बोल पाऊँ, लेकिन आप रिक्वेस्ट कर ही रहे हो तो एक ट्राई करके देखता हूँ, हंसना नहीं ठीक है। नमस्ते बहन और भाइयों, विविध भारती के विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये जयपुर केंद्र है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कोरोना से डरो ना। गोविंद भाई बोले भाई आप मेरा नाम लो, आपको कभी कोरोना नहीं होगा। तो गोविंद भाई कोरोना तो हो चुका है एक बार, इम्यूनिटी धासु थी तो 3 दिन में ठीक भी हो गया। सहताज सईद ने पूछा आपका नाम और एज क्या है। तो सहताज जी जिस दिन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन नाम क्या है, थोड़ा कैसा है, घर वर सब दिखाऊंगा, लेकिन तब तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं सार्थक संगोले का। सार्थक भाई सॉरी यार थोड़ा लेट हो गया आपका नाम लेने में। लेते हैं नेक्स्ट कमेंट रणवीर सिंह भाई का। आप हर वीडियो देखते हो रणवीर भाई, मुझे पता है, आपको दिल से थैंक्स और सॉरी भी कि आपका नाम लेट लिया मैंने। राखी भाई बोले हमारा भी नाम ले लो कभी। तो दोस्त ये रहा आपका नाम। सुशील कन्वर ने लिखा आपका वीडियो अच्छा लगता है, इसको सुनता हूँ तो मन करता है कि सुनता ही रहो। तो सुशील भाई अच्छा लगा आपको, मेरी वॉइस अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। नाजिर फहद ने बोला नई नई मशीनें देखने को मिलती है। नाजिर भाई अपना नाम ही है मशीन इंडिया, मशीनें तो देखने को मिलेंगी ही। वैसे शुक्रिया आपके सपोर्ट के लिए। सोहेल मिर्जा भाई आप हर वीडियो में कमेंट करते हो इसलिए तो नजर पड़ी आपके कमेंट पर। तो अब मिलेंगे कल ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।